ये वो बेड है जहाँ बाबा साहब सोते थे। ये जब कॉलेज में रुकते थे ये टॉवल्स वगैरह उनके लिए होती थी। अभी हम यहाँ पे रुके हुए थे मिल कॉर्नर पे दीपाली लॉज पे, और यहाँ से 800 मीटर की दूरी पर है मिलिंद कॉलेज। तो चाहो तो आप वॉकिंग डिस्टेंस पे ही, वैसे तो इतना तो हम चलते रहते हैं। पैदल चलेंगे? पैदल नहीं जाने वाले, हमारे कुछ सब्सक्राइबर हैं जो काफ़ी सपोर्टिव हैं, तो वो लोग आने वाले हैं, उनका इंतज़ार कर रहे हैं और उनके साथ फिर हम लोग जाएंगे। तो ये जो है वो मिलिंद कॉलेज है, और हमारे साथ हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं, आकाश, प्रशांत और रवि। ये बाबा साहब का दूसरा कॉलेज था जो उन्होंने यहाँ पर खोला था। चलो फिर चलें अंदर। इस वक्त हम मिलिंद कॉलेज के प्रिंसिपल मैम के ऑफिस में बैठे हुए हैं, और उनसे ये पूछना चाहते हैं मैम कि यहाँ पर बाबा साहब से जुड़ी कुछ खास बातें जो लोग अगर यहाँ आए तो वो देख सकें। जी, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने 1945 में पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की, और उसके बाद 1950 में मिलिंद महाविद्यालय की स्थापना औरंगाबाद में की है। उसके पश्चात डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर खुद यहाँ रहकर इस पूरे भव्य इमारत का जो कंस्ट्रक्शन हुआ है उनके सुपरविजन में ही हुआ है। अच्छा। हाँ, उन्होंने बाबा साहेब यहाँ दिन भर बैठ कर वो कंस्ट्रक्शन पर ध्यान रखते थे बारकाई से, बिकॉज मिलिंद वॉज वेरी यू नो वेरी क्लोज टू हिज हार्ट। मिलिंद नाम ही क्यों रखा गया? मिलिंद नाम इसलिए रखा गया है कि इतिहास में मिलिंद नाम के ग्रीक किंग थे, मिनेंडर। मिनेंडर, हाँ। और ही वॉज वेरी प्राउड, वो बहुत प्राउड थे, बहुत गुरूर था उनको अपनी विद्वत्ता पे, अपने नॉलेज पे। तो वो क्या करते थे, सबको बुलाकर अपने साथ डिबेट करवाते थे, और हर कोई उनके साथ डिबेट में हार जाता था। लेकिन वहाँ एक नागसेन बंते जी थे, मॉन्क, हाँ, बुद्धिस्ट, हाँ। तो उनको मिनेंडर जी ने चैलेंज किया कि आप मेरे से युक्तिवाद कीजिएगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं करता हूँ आपके साथ युक्तिवाद। और इस बार ऐसे हुआ कि मिनेंडर का परिजय हो गया, ही लॉस्ट द डिबेट। हाँ, मिलिंद हार गए और नागसेन जीत गए, इसलिए इस कॉलेज का नाम मिलिंद है और इस परिसर का नाम नागसेन वन है, द टॉट एंड द टीचर। तो ये मिलिंद जो है ये इंटेलेक्चुअल का प्रतीक है। ओके। बिकॉज राजा होने के बाद भी उन्होंने ये मान लिया है कि नागसेन जीत गए, नहीं तो वो बोल सकते थे ना कि भाई ये तो जो है कि नहीं नहीं ये जीते नहीं है। बट उनकी इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी इतनी थी मिलिंद की, मिनेंडर किंग की, वो वॉज अ ग्रीक किंग, कि भाई चलो जीत गए जीत गए, ही अप्रिशिएटेड दैट। और इसलिए बाबा साहब ने ये मिलिंद रखा है, ही इट वॉज अ सिंबल ऑफ इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी। और यहाँ पर उनके बिलोंगिंग्स के बारे में बता, उनके बिलोंगिंग्स हैं यहाँ पर, जब बाबा साहब यहाँ रहते थे तो उनके बिलोंगिंग्स यहाँ रखे गए हैं। फिर उसमें उनका बेड है, उनकी आराम कुर्सी है, उनके यूटेंसिल्स है, उन्होंने जो बुक्स रेफर की है, और यहाँ हमने उनका एक छोटा सा म्यूजियम, उनके जो बिलोंगिंग्स है उस म्यूजियम का हमने एक छोटा सा ऐसे उसको संभाल कर रखा है, और वो म्यूजियम आपको देखने को मिल सकता है। हर साल लाखों डॉक्टर बाबा साहेब के अनुयायी जो है वो यहाँ आते हैं और उसका दर्शन लेकर वो जाते हैं। तो ये हमारे लिए पावन भूमि है, हमारे लिए ये बाबा साहेब अम्बेडकर के अनुयायी के लिए ये श्रद्धा स्थान है। यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफिस के जस्ट बाहर बुद्ध की एक बहुत बड़ी मूर्ति लगा रखी है, और पूरा जो जमाने में बुद्ध विहार होते थे वहाँ शिक्षा के लिए ही बनाए जाते थे, और ये उनको उसका प्रतिबिंब है। मिलिंद कॉलेज में जब बाबा साहब शायद कंस्ट्रक्शन कर रहे थे उस समय के फोटोज लगे हुए हैं यहाँ पर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दिलीप बागमारे, मैं आपका बहुत फैन हूँ। मैं आपको एक बात सजेस्ट करना चाहूँगा जी, जो आप जब बात करते किसी बारे में तो फोटो का जो ये वीडियो का जो फोकस है उस पर लगा। मैं ध्यान रखूंगा कि अगली बार से जो मुझे सजेशन दिया है उस पर ज़्यादा फोकस करूं, और मैं भी सीख रहा हूं ब्लॉगिंग, मुझे भी एक 1.5 साल हुआ है, और भी बेहतर तरीके से करना चाहता हूं। तभी मैंने ये जो वाइड एंगल वाला लेंस है ताकि आपको बैकग्राउंड का पूरा दिखे
कि हम कहाँ चल रहे हैं, ये इसीलिए खरीदा है मैंने। अंजुल जी, मैं ये जो ऐसी चेयर शायद आपने कभी देखी नहीं होगी, ये चेयर इसलिए बनाई है, ये टाइप का चेयर इसलिए बनाया है कि बाबा साहब की तबीयत ठीक नहीं है, बाबा साहब बहुत बीमार है, तो ये जो कंस्ट्रक्शन हुआ जिस 51 के पहले, अच्छा 1951 के पहले, तो कंस्ट्रक्शन जब चालू था, या ये मिलिंद का जो हिस्ट्री है, मिलिंद क्यों बनाया गया, मिलिंद बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी यहाँ, ये वाला परिषद जो थी, ये वाला परिषद को आई थी 1935 को, 1935 को आने के बाद बाबा साहब फिर उनके सहयोगी के साथ औरंगाबाद आए, औरंगाबाद से ये किला देखा ही दौलताबाद किला, तो दौलताबाद किले में जाने के बाद उनको एक मोमेडियन आदमी था वहाँ पे, और अपने टीम के कई मेंबर्स ने वहाँ जो पानी रखा था पानी पी लिया, और उसके ऊपर बहुत झगड़े हो गए वहाँ पे, बाबा साहब के सामने झगड़े हुए, वो आदमी ने बहुत ही गालियाँ दिया उनको अपने लोगों को, तो बाबा साहब ने उसी टाइम कुछ भी बोले नहीं उनको, मैं मराठी में बात करूँ, चलो ठीक कोई बात नहीं, बाबा साहब ने कुछ उनको कुछ नहीं बोले, हालांकि उस टाइम का दौर ऐसा था इंडिपेंडेंट की ये प्रक्रिया चल रही थी, इंडिपेंडेंस, हाँ 35 की बात कर रहा हूँ मैं, 1935 बाबा साहब के दो दोस्त थे जो निज़ाम के एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर में उनके दोस्त थे, वहाँ पे काम चल रहा था उनका, तो उसी टाइम बाबा साहब बम्बई गए, फिर बम्बई जाने के बाद बाबा साहब ने उन दो आदमी को, उनके जो दोस्त थे हैदराबाद में, उनको बताया कि भाई मैं येवला गया था, येवला से फिर मैं आया औरंगाबाद, आया औरंगाबाद में आने के बाद मैं दौलताबाद गया, और दौलताबाद में मेरे साथ ऐसा सलूक हुआ, तो वो जो प्रशासन के उनके दोस्त थे उन्होंने फिर वो उनको यहाँ लेटर लिख के वो आदमी को निकल दिया, और बाबा साहब ने उसी दिन ठान लिया कि यहाँ मिलिंद बनना चाहिए, एजुकेशन के लिए कुछ ना कुछ अपने को करना चाहिए। एम पी चिटनी साहब जो प्रिंसिपल रहे पहले, फर्स्ट प्रिंसिपल जो कि मिलिंद के फर्स्ट प्रिंसिपल थे, फिर मिलिंद में बाबा साहब ने उनको बताया कि भाई तुम सिद्धार्थ कॉलेज में आओ, सिद्धार्थ कॉलेज में आने के बाद उनके साथ दो चार लेक्चर और भी आए, और बाबा साहब ने फिर उनको बताया कि भाई अपने को कॉलेज खोलना है, सोसाइटी का एक कॉलेज मराठवाड़े में खोलना है, महाराष्ट्र में खोलना है, तो आप चले जाइए, उन्होंने दो तीन जगह का नाम बता दिया था, एक बीड में बनाना था उनको, बीड, परभनी और लातूर का उन्होंने ये दिया था, एडवाइस दिया था कि वहाँ जगह देखिए अपनी कॉलेज खोलने के लिए। फिर बाबा साहब इधर चिटनी साहब आए उनके टीम के साथ, उधर देखा, लातूर में देखा, बीड में देखा, परभनी में देखा, उनको जगह अच्छी नहीं लगी, वो औरंगाबाद में आए, पांची के देखे यहाँ के बाजू में, और पांची के बाजू में यहाँ फिर उन्होंने उनकी पूरी टीम देख रही थी कि भाई जगह कहाँ अच्छी, तो चिटनी साहब को ये जगह पसंद आई, लेटर लिखा बाबा साहब ने, बाबा साहब को लेटर लिखा कि भाई ये जगह ठीक है, बाबा साहब ने फिर निज़ाम को लेटर लिखा कि हमको ये जगह चाहिए कॉलेज बनाने के लिए, सोसाइटी बनाने के लिए। निज़ाम जो थे साथ में और आपने निज़ाम थे, उन्होंने ये जगह क्यों दी, क्या कारण था? तो उनके पास एक ट्रस्ट था, ये जो शेड्यूल के लोग हैं हैदराबाद में, उनकी रहन सहन उनको ऊपर लाने के लिए एक निज़ाम ने, ऐसा बोला जाता है कि बाबा साहब ने उनके लिए कोई केस लड़ा था, वो जीत गए थे उसके ऊपर? ना, मैं तो पढ़ा नहीं उसको, आप शायद ही नहीं, मैंने भी नहीं पढ़ा, ये मैंने ये पढ़ा, ये लोग बोलते हैं, मैंने नहीं पढ़ाई है, मैं तो बाबा साहब ने निज़ाम से ट्रस्ट क्यों बनाया होगा, निज़ाम ने ट्रस्ट क्यों बनाया थे, ये पिछड़े लोग हैं, SC ST के जो लोग हैं उनका स्तर बढ़ाने के लिए उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया था, तो बाबा साहब ने फिर उनको बोला कि भाई हमको यह जगह होना, तो बाबा साहब ने फिर चिटनी साहब को बोला कि भाई उनसे लोन लीजिए, कर्जा लीजिए, चिटनी साहब ने फिर क्या किया, उन्होंने सिर्फ 12 लाख के कुछ तो डिमांड किया है निज़ाम को, बाबा साहब ने फिर उनको बोला कि भाई ये बहुत कम अमाउंट है, और भी थोड़ी बड़ी डिमांड करो, मैं उनके साथ बातचीत करूँगा, फिर 20 लाख का लोन उनको मिला निज़ाम से, उन्होंने लोन लिया, उनके ट्रस्ट था, उनके ट्रस्ट से लोन लिया, और 20 लाख में ये पूरी जगह ले ली उन्होंने। अरे ये ज़मीन निज़ाम जी की नहीं थी, बाबा साहब ने उनसे 20 लाख का लोन लिया था और उससे ये ज़मीन खरीदी,
जी जी ये कहानी है जी, जी ये जमीन उनकी नहीं थी ना ना ना, ना। ठीक है वही कहानी कुछ होली और हाँ तो ये चेयर की क्या ये चेयर की बात ये है। फिर बाबा साहब ने यह काम शुरू किया सर, चार लोग इसको उठा के डोली सरीका उठा के एक जगह से दूसरी जगह बाबा साहब को लेके जाएंगे इसके लिए चेयर का यूज। तो जब ये कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो बाबा साहब यहाँ पर यूज करते थे चेयर को, यहाँ बैठते थे बाबा साहब। ये जब कॉलेज में रुकते था ये टॉवल्स वगैरह उनके लिए होती थी बाबा साहब यही रहते थे। ये फाउंडेशन स्टोन 1951 का है, सितंबर 51 का, राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट फर्स्ट प्रेसिडेंट है। तो ये स्टोन पे इनॉग्रेशन स्टोन है, इनॉग्रेशन स्टोन पे बाबा साहब का कहीं भी नाम नहीं है, आप देख सकते हैं उसको, बाबा साहब का किधर भी नाम नहीं है। ये स्टोन अभी भी है जो अभी भी है, उनको बताया मैं अभी इनको, जो नीचे आप देख सकते हैं जो फाउंडेशन स्टोन लगा इनॉग्रेशन स्टोन का, बाबा साहब का कहीं नाम नहीं है। ये टाइटल देखिए पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी है, ये सोसाइटी किसका है? पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी उनका। शायद मेरा एक तजुर्बा है कि बाबा साहब ये जो बनाया है ये बाबा साहब के फैमिली मेम्बर का कुछ भी यहाँ किसी का भी, ये पीपल्स का है, लोगों का ये सोसाइटी है, इसीलिए शायद उनकी जो लॉजिक था। स्टैचूज दिख रही हैं यहाँ पर बाबा साहब के रूम में या उनके पास रहती थी, ये वो बेड है जहाँ बाबा साहब सोते थे। तो ये एक खास कलेक्शन है बाबा साहब का जो यहाँ पर रखा हुआ, जो मैंने आपको अभी पास से दिखाया है, और यहाँ से ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है, और कोशिश करूँगा मैं सब कुछ कवर करने का। यहाँ से सामने जो है वो था संग्रहालय, बाबा साहब की चीज़ें रखी थी, और बाबा साहब इस कमरे में आकर रुकते थे जो अभी हाल फिलहाल लॉक है, और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बता रहे थे। चलिए देखते हैं नीचे चलकर क्या क्या है यहाँ पर। जो अभी प्रोग्राम हुआ था वो यहाँ हुआ था दलाई लामा, और यहाँ सामने मिलिंद कॉलेज की लाइब्रेरी है। तो ये पूरा कॉलेज ही बहुत ऐतिहासिक है, और यहाँ पे हर चीज़ कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जैसे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है। लाइब्रेरी है और यहाँ पे सब लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए थोड़ा धीरे धीरे बात करेंगे। ये बाबा साहब का कलेक्शन है यहाँ पे, के बुक में देंगे ये बाबा साहब का जो कलेक्शन था जो उनका, ये इसके ऊपर फोकस कीजिए, रियर कलेक्शन टोटल। ओके ओके, मतलब ये जो 50,000 किताबें थी उनका ये हिस्सा है कुछ। हाँ ये पूरे उनकी किताब। आप कौन? मैं इसी कॉलेज के लेक्चरर हूँ, पाली सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ। पाली सब्जेक्ट पढ़ाती हैं? तो ये जो कॉलेज है ये किसी किससे एफिलेटेड है, ये ऑटोनॉमस है? नहीं नहीं, यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी एफिलेटेड है, ऑटोनॉमस नहीं है। अच्छा, ऑटोनॉमस नहीं है। तो ये पाली जो सब्जेक्ट है कई लोग ऐसे बोल रहे हैं बहुत जगह बंद करते जा रहे हैं, तो यहाँ तो बराबर पढ़ाया जा रहा है, बच्चे बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं उसमें। फुल स्ट्रेंथ अपने पास इंटेक कैपेसिटी 75 स्टूडेंट्स की है। 75? हाँ, अबाउ 75 अपीयर हो जाते हैं। अच्छा। हाँ, यहाँ लाइब्रेरी चेयर यहाँ आके वो बैठते थे। हाँ, बैठते थे यहाँ पे। ये सिद्धार्थ कॉलेज में भी रखी है, लॉ कॉलेज में भी रखी, सब जगह एक चेयर, उनकी एक चेयर रहती है। अभी आप ऊपर गए थे, ऊपर भी आपको एक चेयर ऐसा दिखा है, वो चेयर पे तो उनको बिठा के नीचे से ऊपर ले जाते हैं। हाँ, वो देखा मैंने, आज जब चलना को तकलीफ हो रहा है। तो ये टाइटल क्या था? गॉसिप, बुद्धा एंड गॉसिप। हाँ, ये टाइटल पहले रखा गया, पहले रखा था गॉसिप निकाल के फिर बुद्धा एंड धर्म, ऐसा निकाल के बाद कल्पना वृक्ष कहा जाता है ना, इच्छा वृक्ष, वैसा अगर धम्मपद की गाथाएं आपने उसको लर्न किया और उस पर चले तो आपको निर्वाण पद इजी और इजी जा सकते हैं करके ही। धम्म यानी नैतिक तत्व और धम्म यानी ज्ञान, पद यानी रास्ता,
ज्ञान प्राप्त करने तो का ये जो एक कॉन्सेप्ट अभी मैम ने बताया है तो अगर कोई इसमें कुछ कंट्रीब्यूट या हेल्प कर सकता है तो मैम से संपर्क कर सकता है। आपका मोबाइल नंबर बताइए। मेरा नंबर 9764447039। तो जैसे उन्होंने बताया कि जैसे गीता है और बाइबल है इन सबको ओरल फॉर्म में है, कुरान शरीफ ये सब ओरल फॉर्म में है और बहुत इजीली लोग उसको पढ़ लेते हैं समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा अभी तक बुद्धिज्म में नहीं है, नहीं हुआ है। तो अगर ऐसा कुछ कोई हेल्प कर सकता है तो मैम से संपर्क कर सकते हैं। ये काफ़ी सारा कलेक्शन मैंने अभी आपको दिखा दिया है और मैम ने मुझे काफ़ी सारी जानकारी भी दी है, वो भी हमने रिकॉर्ड किया। तो ये बाबा साहब की लाइब्रेरी है और एक इसमें खासियत ये है कि ये अंडरग्राउंड है ये पूरी लाइब्रेरी, और उसका कारण भी यही है कि यहाँ पे ताकि ज़्यादा शोर ना हो, बाहर का शोर अंदर ना जाए, बच्चे आराम से पढ़ पाएँ, तो ये इसलिए ऐसा बनाया गया है। अब यहाँ पर हम सीधा जो है प्रिंसिपल ऑफिस चले गए थे परमिशन लेने के लिए पहले, इसलिए हमने आपको बाहर का नहीं दिखाया। तो ये एंट्रेंस है मेन, और यहाँ से जहाँ हम जा रहे हैं इस वक्त, यहाँ बाबा साहब ने बोधि वृक्ष लगाया था खुद, और उसका फ़ोटो भी अवेलेबल है अभी इस वक्त, तो उस बोधि वृक्ष के पास जा रहे हैं हम। ये जो जगह है ये बहुत ख़ास है और ये जगह का नाम बाबा साहब ने रखा था नागसेन वन। तो यहाँ पर कुछ बनते हैं उन्होंने थाईलैंड से बुद्ध का सांचा लेकर आए हैं और यहाँ पर उस बुद्ध की मूर्ति बनाई जा रही है, और ये वही बोधि वृक्ष है जो बाबा साहब ने खुद लगाया था। बंते जी यहाँ पर हैं, देखते हैं अगर उनको हिंदी इंग्लिश आती होगी तो बात करेंगे। Yeah, can I hear you want to ask? Can I hear you know Hindi? I don't know Hindi. English, it is I'm a little bit evening my friend. Good evening everybody. Okay. I monk of Thailand. I okay. Good for make a Buddha. Buddha for happiness, for bomb of blood for everybody, and give for my heart and heart to heart. Satu. Okay. Thank you. Aur yahan par ye specially for Milind College this statue. Yes sir, I make in a Milind College. Dr. AMBEDKAR'S College. Dr. Ameka to make it. Okay, thank you. Satu. Thank you. Dr. तो ये जो है थाईलैंड से मूर्ति आई और यहाँ पर जो इसका सांचा में ढाल कर इसको बनाया जा रहा है, और यहाँ पर जो भंते जी हैं सब थाईलैंड से हैं, लैंग्वेज की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन ये जो बोधि वृक्ष है और बुद्ध की जो स्टैचू है वो ये है, और यहाँ पर से ही एक जो एक फ़ोटो लिया गया था बाबा साहब का, वो आपको मैं दिखाता हूँ। बाबा साहब का एक बहुत पुराना फ़ोटो है जो जिसके कारण जिससे मैं अट्रैक्ट होकर यहाँ पर आया, और क्योंकि उस फोटो से एहसास हुआ कि बाबा साहब का ये कॉलेज है, मुझे भी ज़्यादा जानकारी नहीं थी उस समय, और बाकी सारी जानकारी उसके बाद ही मैंने जुटाना स्टार्ट करी। तो वो फ़ोटो यहीं पर है और बाबा साहब ने यहाँ पर खड़े होकर वो फ़ोटो खिंचवाया था। मुझे लगता है ये जो फ़ोटो है बहुत ऐतिहासिक है, और मैं एग्जैक्टली इसी फ़ोटो के लिए यहाँ तक आया था कि मैं भी एक फ़ोटो ऐसा खींच सकूँ, और बहुत खुशी की बात है कि मैं यहाँ पर आया और आप लोग भी ये सब देखेंगे। ये वो फाउंडिंग स्टोन है जहाँ पर राजेंद्र प्रसाद जी आए थे और निजाम जी की तरफ से एक उनका कोई नाम उनकी तरफ से कोई व्यक्ति आया था रिप्रेजेंटर जी, और वो एक फ़ोटो भी है यहाँ पर जी बाबा साहब के साथ का। फर्स्ट टाइम बाबा साहब ने सारे टीचर्स को खुद सेलेक्ट किया था पर्सनल इंटरव्यू लेकर। इतना ही नहीं, बाबा साहब जब इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद सिलेक्शन होने के बाद वो टीचर को हॉल में लेके जाते थे बाबा साहब, और बाबा साहब स्टूडेंट के बीच में बैठ के स्टूडेंट क्या पढ़ाते हैं वो देखते थे, ये टीचर क्या पढ़ाते हैं। ठीक ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर थैंक यू। आप जो है यहाँ के स्टूडेंट हैं, तो जय भीम बोलते हैं? हाँ बोलते हैं। बाबा साहब कौन से मालूम है आपको? डॉक्टर अम्बेडकर बाबा। उनको हिंदी लैंग्वेज नहीं आ रही समझ? नहीं आती, हिंदी समझ में आती सब, ट्रांसलेटर करता हूँ। तो यहाँ इस कॉलेज में एडमिशन, मतलब आपकी वैसे फैमिली कंडीशन कैसी है? थोड़ी पुअर है।
पुअर है, तो यहाँ एडमिशन आपको कैसे मिला, मतलब उसी जो यहाँ फीस लगती उतनी या कम की गई? फी किती घेते समजा? तरीपण आमची 600 मतलब कमी काय फी एवढी कुछ नाही ज्यादा 600 रुपये महिना फीस है? नहीं 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 साल की, साल की 600 रुपये फीस है हमारी एससी की, और वो या तो स्कॉलरशिप आ जाती ना एससी में, क्या तो कॉलेज की मतलब 600 रुपये फीस है? कोई किस डिपार्टमेंट से हो? आर्ट्स से, साइंस से, साइंस में, इसी में, साइंस में, साइंस में, इससे में सर वो 600 रुपये साल भर की 600 नहीं कैटेगरी में रहता है, कैटेगरी 600 कुछ ज्यादा कम नहीं है लेकिन? नहीं नहीं यहाँ पे रहता हूँ कैटेगरी में, मैं भी एससी का हूँ लेकिन मेरी 20,000 लगती है भाई। तो यार भोपाल साइड कॉलेज कॉलेज में फर्क होता है, देवगिरी में अलग है इधर अलग है। ये बाबा साहब का कॉलेज है, सबको समझो। चलिए एक फोटो, एक सेकंड रिकॉर्डिंग वाला चालू, एक सेकंड रिकॉर्डिंग नहीं, हां 2-3 दिवस वाला वीडियो अपलोड होईल। ही दलचा आकाश शेयर करा, सब्सक्राइब करा। तो ये अभी हम लोगों ने देखा था जहाँ पर ऊपर गए थे, बाबा साहब की बिलोंगिंग्स यहाँ पर रखी हुई हैं, जो सब देखे थे वो ये था छोटा सा एरिया, और ये एक्चुअल में वो पुराना एरिया है, हमने फ़ोटो से मैच किया तो एग्जैक्टली जो अगर आप ध्यान से देखोगे ना वहाँ पर एक छोटा सा फोल्ड है, ऐसे कर कर एक वहाँ पर कॉर्नर बना हुआ है, तो वो कॉर्नर भी उस फोटो से मैच कर रहा था। तो हमें ऐसा लगा शायद हमने गलत जगह से फ़ोटो लिया, तो हमने फिर से वो फ़ोटो ले लिया सब लोगों ने। अब कहाँ चलने वाले हैं अपन? चौका लोकतुरा चौका। तो ये मुझे समझ नहीं आया लेकिन अभी जाकर वो देखते हैं। और ये वीडियो यहाँ तक के लिए है, और इसके आगे का वीडियो जो है वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा, इसके आगे की जो कहानी है तो वो देखिए। कीप सपोर्टिंग।